बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना आपके लिए बरकत बन जाए और कामयाबी की ज़मानत बन जाए तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इमाम अली अलैहिस्सलाम रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स खाना सामने आते ही जल्दी जल्दी से खाना खा रहा है। पर जैसे ही आपने ये मंज़र देखा तो आप इस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ बंदा ऐ खुदा, ये बात याद रखना कि जब भी कुछ भी तुम खाना खाओ, तुम्हारे सामने खाना आए तो पहले खाने को देखो और फिर खुदा का शुक्र अदा करो और ये कहा करो कि ऐ अल्लाह, इस खाने को मेरे लिए रहमत बना दे, मेरे लिए बरकत बना दे। जो चीज़ इंसान खाता है इसका असर इंसान के वजूद में पाया जाता है। इस खाने को जिस इंसान ने बनाया होगा, इस ग़िज़ा को जिस शख्स ने बेचा होगा, अगर इस वक्त इस इंसान के वजूद में हवस, लालच, नफ़रत, हसद है तो इन एहसासात का वजूद तुम्हारे वजूद में भी पाया जाएगा। ऐ शख्स, ये बात याद रखना कि जब भी तुम्हारे सामने खाना आए तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, तो ये तमाम एहसासात तुम्हारे खाने से दूर हो जाएंगे और ये खाना तुम्हारे लिए बरकत और कामयाबी की ज़मानत बन जाएगा।